video, we are going to discuss class 12th English poem, My Mother Ecstatics, NCERT solutions and question answers. So hey everyone, this is Arush Gupta. I am welcoming you all to my channel Golden Classes. आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे My Mother Ecstatics poem के NCERT solutions and important question answers. Previous two videos में हम इस poem का NCERT explanation और summary cover कर चुके हैं. If you want to watch those videos, then please go through them. तो start करते हैं NCERT solutions और कुछ question answers को. The very first question is, aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? तो भाई हम सब जानते हैं कि aging तो भाई natural process है. लोग बच्चे होते हैं, बच्चे से बड़े बनते हैं, जवान हो जाते हैं, जवान से बूढ़े बन जाते हैं, फिर एक दिन आता है उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है. लेकिन क्या आपने सोचा कि जो हमारे एल्डरली पेरेंट्स हैं उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे से, हमने कभी सोचा ये? तो सोचो अभी, आंसर देखो इसका क्या लिखोगे आप. एज पीपल यूजली अंडरगो पैंग्स ऑफ लोनलीनेस एंड नीड कंपेनियनशिप. तो भाई जो ओल्ड एज के लोग होते हैं ना, उनको लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं वो लोग, और उनको कंपेनियनशिप चाहिए होती है. मतलब कोई उनके साथ रहे, उनसे बातें करे, है ना, ये चाहिए होता है. दे लॉन्ग ओनली फॉर आर लव केयर एंड अटेंशन. वो हमारा प्यार, हमारी देखभाल और हम उनको अटेंशन में दें, मतलब उन्हें हम अपना अटेंशन दें, ये सारी चीज़ें वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं. वो एक्सपेक्ट करते हैं हम चिल्ड्रन से कि वो उनकी लाइफ में हो रही चीज़ों को उनके साथ शेयर करें, और सबसे ज़रूरी कि हम उनसे उनके सजेशंस लें. जो हमारे एल्डरली हैं, घर के जो बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनसे सजेशन लें, ताकि हम कोई सिग्निफिकेंट डिसीजन, कोई अच्छा डिसीजन हम ले सकें. और ये सभी चीज़ें उनको इंकरेज करती है कि वो अपनी लाइफ को एंथुसियास्टिकली लिव कर सकें, मतलब जी सकें. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे एल्डर्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एग दैट द पोएट फील्स, और व्हाट फेमिलियर एग एंड चाइल्डहुड फियर दैट कमला दास फील. तो कौन सा ऐसा पुराना एक है, पुराना दर्द है जो वो फील करती है. द पोएट इज पेंट टू सी हर मदर्स डल एंड कलरलेस फेस. उनके कलरलेस और डल फेस को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा पेंट हैं, तकलीफ में हैं. ही इज हर्ट टू सी दैट हर मदर्स एज लुक्स लाइक दैट ऑफ डैड बॉडी. केस नहीं है, वो फेस है. ठीक है, तो वजह हर्ट है देखे कि उनकी मॉम का फेस डेड बॉडी की तरह दिख रहा है. वो एफर्ट है काफ़ी ज़्यादा इस फैक्ट से कि उनकी मॉम नेक्स्ट टाइम शायद उनको ज़िंदा ना दिखे. ओके, शी मे नॉट सी हर मदर अलाइव नेक्स्ट टाइम. तो आंसर आपको ऐसे लिखना होता है एग्जाम में. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंगटिंग. स्प्रिंगटिंग हमने क्यों यूज़ किया है ट्रीज के लिए यहाँ पे? तो आंसर इज द कार वॉज मूविंग वेन द पोइट लुक आउटसाइड द ट्रीज. कार मूव कर रही थी जब पोइट ट्रीज की तरफ देख रही थी. दे अपीयर टू बी स्प्रिंटिंग. वो स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे क्योंकि कार जो थी स्पीडिंग पास देम इन द अपोजिट डायरेक्शन. मतलब कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, ट्रीज पीछे की तरफ उनको जाते हुए दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए उनको स्प्रिंटिंग जैसा दिख रहा था. यंग ट्रीज रिप्रेजेंटेड लाइफ. तो जो यंग ट्रीज हैं वो लाइफ रिप्रेजेंट कर रही हैं इन कंट्रास्ट. किसके कंट्रास्ट में? उनकी मदर की अप्रोचिंग डेथ में. यंग है ना, ट्रीज यंग है, और उनकी मदर डेथ होने वाली, उनकी ओल्ड एज में है वो अपनी लाइफ. तो ये सारी चीज़ें कंट्रास्टिंग है, तो इसलिए ट्रीज को स्पिन करता हुआ दिखाया गया क्योंकि कार जब मूव कर रही थी तो कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी और ट्रीज बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे. एज सिंपल एज दैट. ये आंसर आप अपनी नोटबुक में राइट कीजिए. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाई हैज द पोएट ब्राउट इन द इमेज ऑफ मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम. मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम. आखिर ये इमेज पोएट क्यों हमारे दिमाग में लेकर आई, क्या रीज़न था इसके पीछे?
या फिर ये कह लो कि वाई हैज द पोइट मेंशन्ड मैरिड चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम इन द पोइम. द पोइट हैज यूज दिस इमेजरी. दिस इज व्हाट इमेजरी. एक पोएटिक डिवाइस होता है ना, हमारे दिमाग में इमेज बनती है उससे. क्यों किया है इसका यूज? टू ब्रिंक आउट द कंट्रास्ट. कंट्रास्ट मतलब अपोजिटनेस, अपोजिट एक दूसरे का. बिटवीन चिल्ड्रन जो कि क्या है, एनर्जेटिक हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं, लाइफ से भरे हुए हैं, जवान हैं, जवान तो नहीं है खैर बच्चे ही हैं, लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा जोश है, एनर्जी है ना, लाइफ से फुल हैं. और किसके बीच में? मदर के बीच में. क्या कंपैरिजन? तो चिल्ड्रन के बीच में कंपैरिजन जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और फुल ऑफ लाइफ हैं, और उनकी मॉम जो बिल्कुल ओल्ड हो चुकी हैं, पेल हो गई हैं और लाइफलेस उनको दिख रही हैं. तो बेसिकली कंपैरिजन के लिए ही इन्होंने यहाँ पे ये जो लाइन है वो यूज़ की है कि मैरिड चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम. ओके, क्लियर हो गया. स्क्रीनशॉट लो, इसको नोटबुक में राइट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स. भाई ढेर सारी बातें हैं, कुछ नहीं है. ये कुछ लाइन्स आपको याद रखनी है, यहीं पर क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाएंगे. तो जस्ट एज लेट विंटर्स मून लुक हैजी एंड अपीयर टू लैक ब्राइटनेस एंड लस्टर. तो होता है ना कि जो लेट विंटर मून होता है वो काफ़ी ज़्यादा डल दिखता है, उसकी शाइनिंग होती है, ब्राइटलेसनेस होता है वो, ठीक है. और किसकी वजह से होता है? मिस्ट, फॉग, है ना, ये सब चीज़ तो होती है ना, कोहरा वगैरह. ठंड में ही तो होता है, गर्मी में होता है क्या पता नहीं, ठंड में ही होता है. सिमिलरली द पोइट मदर जो कि अब ओल्ड दिख रही हैं, पेल दिख रही हैं एंड डिवॉइड ऑफ एक्स, मतलब अब उनकी मॉम में कोई लाइफ जीने की क्वालिटी रही नहीं. ये वर्ड कितना अच्छा है, डिवॉइड ऑफ एक्सुबरेंस. इसको आप अगर अपने आंसर में एज इट इज लिख के आओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कॉपी चेकर पे, जो एग्जामिनर है उस पर. तो डिवॉइड ऑफ एक्सुबरेंस का मतलब कोई पार्टिकुलर क्वालिटी नहीं होना, तो मतलब यही है कि लाइफ लेस उनकी मॉम. ओके, उनका फेस काफ़ी ज़्यादा डल और कलरलेस दिख रहा है, जिसकी वजह से उनकी ओल्ड एज की वजह से, ड्यू टू हर ओल्ड एज. ओके, तो ये वर्ड हाईलाइट कर लेना, डिवॉइड ऑफ एक्सपीरियंस. सो सिक्स्थ क्वेश्चन आस्क्ड, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई. जो पोएट के वर्ड्स थे, पार्टिंग वर्ड्स थे, मतलब जब वो जा रही थी तो उन्होंने उनके जो वर्ड्स थे और उनकी जो स्माइल थी वो क्या सिग्निफाई कर रहे थे. द पोएट पार्टिंग वर्ड्स, सी यू सून अम्मा, सैनिटी होप. दिस इज़ नॉट सैनिटी, दिस इज सिग्निफाई. ओके, तो जो पोएट के पार्टिंग वर्ड थे सी यू सून अम्मा, सिग्निफाई होप एंड अश्योरेंस. होप उम्मीद और अश्योरिंग हर, वो अपने आप को अश्योर कर रही थी, दिलासा दे रही थी, मतलब उम्मीद जगा रही थी अपने अंदर. नॉट ओनली टू हर सेल्फ, अपने ही लिए तो नहीं कर रही थी, मतलब उम्मीद और अश्योर अपने आप को तो कह ही रही थी, साथ साथ अपनी मदर को भी कर रही थी, डैट दे विल मीट अगेन, कि वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आस्किंग इज दैट हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर. तो कैसे जो थॉट आ रहे थे उनके दिमाग में कि मॉम एज्ड हो गई हैं, हम मुझे छोड़ के जा सकती हैं, कैसे दूर की उन्होंने. तो कमला दास फाइंड्स इट हार्ड टू एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ हर मदर ग्रोइंग ओल्ड एज इट ब्रिंग्स बैक टू हर माइंड हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर फॉरएवर. अब ऐसे ही नहीं होता कि हम डायरेक्ट आंसर दे दें, कुछ ना कुछ हमें उससे रिलेटेड थोड़ी बात बता देनी चाहिए कि कमला दास क्या फील कर रही थी. वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही थी और जो चाइल्डहुड फियर है वो वापस आ गया था उनके दिमाग में. वो अपने चाइल्डहुड फियर के बारे में सोच रही थी कि मदर हमेशा अपने से दूर हो जाएंगी, जो खो देंगी उन्हें. शी मेक्स अ डेलिबरेट एफर्ट टू ड्राइव और पुट अवे सच थॉट्स बाय लुकिंग आउटसाइड द कार एट द साइट पासिंग बाय. तो वे बहुत ज़्यादा डेलिबरेट एफर्ट बनाती हैं कि वो क्या करें, उन थॉट को पुट अवे कर लें, अपने से दूर कर लें, कार के बाहर देखकर, जो साइट्स हैं कार के बाहर की उनको देखकर. ओके, तो यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, आई होप सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग लुक एट हर मदर, व्हाई डज कमला दास लुक एट द यंग चिल्ड्रन.
यंग चिल्ड्रन की तरफ क्यों देखा उन्होंने अपनी मॉम को देखने के बाद? तो कमला दास लुक्ड एट द यंग चिल्ड्रन एज रिप्रेजेंटेड यूथ, क्योंकि वो यूथ रिप्रेजेंट कर रहे थे जो कि फुल ऑफ लाइफ और एनर्जी से भरा हुआ था। शी वॉन्टेड टू ड्राइव अवे द फियरफुल एंड डिस्टर्बिंग थॉट एट हर मदर वाज गेटिंग ओल्ड एंड वीकेंड माइट डाई सून। तो वो इस फियरफुल और डिस्टर्बिंग थॉट को अपने से दूर करना चाहती थी कि उनकी मॉम बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं और वो जल्दी डाई हो सकती हैं, मर सकती हैं। ओके, वॉट वर कमला दास फियर एज अ चाइल्ड, व्हाई डू दे कम बैक व्हेन शी इज गोइंग टू एयरपोर्ट। तो कमला दास का क्या फियर था जब वो एक चाइल्ड थी, बताया ना पोएम में, और व्हाई डू दे कम बैक, और वो चाइल्डहुड फियर वापस क्यों आ गया जब वो एयरपोर्ट पे जा रही थी। तो ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड कमला दास वाज इनसिक्योर अबाउट लूजिंग हर मदर जस्ट एज ऑल यंग चिल्ड्रन ऑफन आर। भाई हम कभी भी जाते हैं स्कूल, हमारी मॉम हमें स्कूल ड्रॉप करने आती हैं, पिकअप करने आती होंगी, है ना। तो जब वो ड्रॉप करने आती हैं हमको स्कूल पे, तो हम उन्हें वापस जाने से रोकते हैं, हम रोने लगते हैं कि मॉम हमें जा रही हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हमेशा के लिए जा रही हैं, क्या पता हमारी मॉम हमें वापस लेने आएंगी नहीं आएंगी, कहीं हम उनसे दूर तो नहीं हो गए। तो ये सबके मन में चलता है, हर छोटे बच्चे के मन में चलता है। सेम ओल्ड फीलिंग्स कम बैक टू हॉन्ट हर व्हेन शी सीज हर मदर्स पेल एंड लाइफलेस फेस। जब उन्होंने देखा कि उनकी मॉम काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं, उनका पूरा फेस जो है पीला पड़ गया है, लाइफलेस फेस है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। शी इज़ टॉर्चर्ड बाय द फैक्ट दैट शी मे नॉट सी हर अलाइव अगेन। तो वो टॉर्चर्ड फील करती हैं काफ़ी ज़्यादा कि भाई मैं अपनी मॉम को शायद दोबारा देख नहीं पाऊँगी। शी हाइड्स हर फीलिंग्स बाय स्माइलिंग। अब वो स्माइल करके अपनी उन फीलिंग्स को जो डरा रही थी उनको, उसको वो छुपाती है ताकि उनकी मॉम को पता न लगे। ओके, उनकी मॉम टेंस ना हो जाए, वो अपनी मॉम को खुश देखना चाहती थी, राइट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ कमला दास एंड हर स्माइल सिग्निफाई। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन आई थिंक। या ओके, नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द लास्ट लाइन ऑफ पोएम माई मदर 66, वाई डज द पोएट यूज द वर्ड स्माइल रिपीटेडली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट में पोएम के जो पोएट है उन्होंने बार बार, तीन बार स्माइल यूज किया है ना, तो क्यों किया है? इन द लास्ट लाइन ऑफ पोएम द पोएट हैज रिपीटेडली यूज द वर्ड स्माइल। क्यों? ताकि वो अपनी पेनफुल फीलिंग को मास्क कर पाए, मतलब छुपा पाए कि वो उनकी मॉम से जुदा हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, है ना। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू रिश्योर हर मदर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस बाई स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ हर। अपनी मॉम को भी वो रिश्योर करना चाहती हैं, ये एश्योरेंस दिलाना चाहती हैं कि भाई हम लोग फिर से मिलेंगे मॉम, ठीक है, और एक उम्मीद जगाना चाहती हैं उनकी मॉम के सामने, ठीक है, इसलिए वो उनकी मॉम के सामने वो हंसती हैं, अपनी मॉम के सामने वो स्माइल करती हैं, और इसलिए तीन बार वर्ड को यूज़ किया गया है ताकि वो अपनी मॉम को ये यकीन दिला सकें कि हम दोबारा मिलेंगे, बिछड़ेंगे ना ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेन ऑफ सेपरेशन इज एक्सप्रेस्ड बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली इन दिस पोएम, इलस्ट्रेट। Answer is the pain of separation in my mother at 66 is one of physical separation. तो यहाँ पे physical separation भी हुआ है ना, mom को leave करके वो जा रही हैं कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ रहने जहाँ पर वो रहती हैं, है ना। तो ये literally भी separation हुआ, ठीक है, मतलब physically तो वो जा ही रही है ना, और metaphorically कब हुआ? तो वो separation जो वो feel कर रही हैं, क्या कि उनकी मॉम की डेथ होने वाली है और एटर्नल सेपरेशन हो जाएगा। एटर्नल मतलब हमेशा के लिए वो अलग हो जाएंगी। अभी लिटरली से तो मतलब यही हुआ कि वो वहाँ पर जा रही हैं कोचिन की तरफ, कोचिन एयरपोर्ट, अपने घर पे जाने के लिए, है ना,
और मेटाफोरिकली क्या मतलब हो गया कि वो हमेशा के लिए उनसे जुदा हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो ये एटर्नल सेपरेशन जो है वो यहाँ पर मेटाफोरिकली है, ओके। तो ये पेन ऑफ सेपरेशन लिटरली और मेटाफोरिकली दोनों तरीके से किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। द पोएट डजंट डायरेक्टली मेंशन द फियर ऑफ हर मदर्स डेथ एंड येट शी सक्सेसफुली एबल टू कन्वे द सेम थ्रू डिफरेंट पोएटिक टेक्निक्स, डिस्कस। तो भाई पोइट ने कहीं डायरेक्टली तो मेंशन नहीं किया ना कि उनकी मॉम की डेथ होने वाली है, नहीं, और ना उन्होंने कहीं ये बताया कि वो डर महसूस कर रही हैं। बस उन्होंने इतने तो बताया थे कि चाइल्डहुड फियर। अब वो चाइल्डहुड फियर क्या था हमें कैसे पता चल गया? हमें तो उनके पोइट डिवाइसेस से पता चला ना, है ना। तो पोइट टेक्निक्स की वजह से वो अपने इस जो उनका जो फियर है उसको एक्सप्रेस करने में सक्सेसफुल रही हैं, यही डिस्कस करना है हमें। द पोएट डजंट डायरेक्टली मेंशन द फियर ऑफ हर मदर्स डेथ एंड येट शी सक्सेसफुली एबल टू कन्वे द सेम थ्रू डिफरेंट पोएटिक डिवाइसेस लाइक सिमिली, मेटाफर्स, रिपीटेशन एंड कंट्रास्ट, ओके। तो ये आपके चार पोएटिक डिवाइसेस आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो यही इसका आंसर है भाई, इन चार पोएटिक डिवाइसेस की हेल्प से उन्होंने अपने फियर को एक्सप्रेस किया है ना, है ना। तो ये चारों बता दिए और अब हम इन चारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए यहाँ पे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्माइल ऑफ द पोएट एज शी बेड फेयरवेल टू हर मदर। आंसर इज पोएट स्माइल्स एज शी बेड फेयरवेल टू हर मदर एंड अश्योर्स हर दैट दे वुड मीट अगेन। तो पोएट स्माइल करती हैं जब वो उनको फेयरवेल देती हैं, ओके। फेयरवेल दे रही होती हैं, मतलब जा रही थी ना, और वो अपनी मदर को अश्योर करती हैं कि वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। एज शी लुक्स एट हर मदर हु लुक्स पेल एंड वीक ड्यू टू ओल्ड एज, हर हार्ट इज पेन्ड टू थिंक दैट हर मदर माइट नॉट लिव लॉन्ग। तो जितनी पेल वो दिख रही हैं, कमज़ोर दिख रही हैं अपनी ओल्ड एज के कारण, तो उनके दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ये सोच के कि शायद अब उनकी मॉम और ज़्यादा नहीं जी पाएंगी। She smiles, but her smile is an only effort to cover up the hidden fear and pain in her heart. तो smile सिर्फ एक जरिया है अपने छुपे हुए fear को cover up करने का जो उनके दिल में छुपा हुआ है, और जो pain है यही pain की उनकी mom उनसे दूर हो जाएंगी, ये सब कुछ छुपाने का एक जरिया है, cover up करने का जरिया है ताकि उनकी mom दुखी ना हो जाएं। इट इज़ अ स्माइल बट पुट ऑन डेलिब्रेटली टू हाइड हर टीयर्स, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए ये स्माइल है। हर सिचुएशन इज क्वाइट आर्मिकल, सो शी टेल्स हर मदर डैट शी विल सी हर सून, शी डाउट्स इफ शी विल एवर सी हर अलाइव अगेन। तो वो अपनी मॉम से कहती तो हैं कि हम जल्दी मिलेंगे, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या डाउट होगा उन्हें, मतलब वो डाउट में रहती हैं कि क्या वो अपनी मॉम को लाइफ देखेंगी भी, ओके। तो क्वाइट आयरनिकल सिचुएशन है यहाँ पे। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। ये आपको काफ़ी टाइम से चाहिए होगा, एक्सप्लेनेशन में भी मैंने कहा था कि प्रोवाइड कर दूँगा, समरी में भी मैंने कहा था करवा दूँगा, बट आप क्वेश्चन आंसर में ही हम करवा देते हैं इसको, ठीक है। तो द पोएट My mother exercises captures complex subtleties of human relationship in a texture of symbols, imagery and other poetic devices. The entire poem is structured in frame of single sentence. आपने देखा होगा कि जो poem है वो एक पूरा single sentence है, सिर्फ वहाँ पे क्या है comma का use किया गया है। It indicates a single string of thought that runs throughout. ये indicate करता है कि एक thought है, एक single thought है, ठीक है, जो पूरे तरह चलता है स्टार्टिंग से एंड तक। देर इज़ अ सिमिली, सिमिली यहाँ पे की गई है इन द एक्सप्लिसिट कंपैरिजन ऑफ एशियन फेस ऑफ अ मदर टू डेट ऑफ कॉप। एज और लाइक का जब यूज होता है तब वहाँ सिमिली होती है, और हमने देखा था वहाँ पे कि उनकी एशियन लाइक फेस को कंपेयर किया गया था कॉप से, एस वर्ड से, है ना। तो वो सिमिली थी,
We find another simile in comparison between a pale visage of her mother and the late winter's moon. उनका जो पीला फेस था और जो लेट विंटर मून था उससे कंपेयर जब हमने किया था तभी भी हमने वहाँ पे सिमिली का यूज़ किया था। लाइक और एज का जहाँ आपको दिख जाए वो क्या है, सिमिली का यूज़ होता है। एज हर लेस हैज, लेस नहीं है, फेस हैज लॉस्ट इट्स ब्राइटनेस, उनके फेस ने ब्राइटनेस खो दी थी, ठीक है, जैसे कि विंटर मून में होता है, ठीक है। द कंपेरिजन्स मेड विद द कॉर्प्स एंड द लेट विंटर्स मून आर सेंट्रल टू हाईलाइट द कॉज ऑफ अ फियर। कंट्रास्ट हाइटन्स इट टू द पॉइंट वेयर इन शी साइलेंटली क्राइंग एंड रीअश्योरिंग हरसेल्फ एंड हर मदर विद हर स्माइल। जो कंट्रास्ट है वो ये हाईलाइट करता है कि वो साइलेंटली रो रही हैं और अपनी मदर को रीश्योर कर रही हैं कि वो उनसे दोबारा मिलेंगी अपनी स्माइल के साथ, वो रीश्योर करती है अपनी मॉम को। ओके, तो ये बेसिक सपोर्टिव डिवाइसेस थे और यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ किया है स्टंटिंग प्रीस्ट को, है ना, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ लूजिंग आवर डियर वंस ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पोएम माई मदर एक्स 56 ब्रिंग्स आउट नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन माइंड एंड द नेचुरल फियर ऑफ लूजिंग आवर पेरेंट्स विच इज कॉमन टू द हार्ट्स ऑफ ऑल ह्यूमन। एजिंग इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ विच वी हैव टू एक्सेप्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेन इट कल्टिवेट्स इन आवर हार्ट। देखो ये ज़रूर लिख के आना, ये इंट्रो पैरा बहुत अच्छा है, इसको आपको अपने आंसर में मेंशन ज़रूर से कर देना है। जो पोइम है माई मदर 66 एक नेचुरल कॉम्प्लेक्सिटी लेके आती है ह्यूमन माइंड में क्या चल रहा होता है, और नेचुरल फियर है कि जब हम अपने पेरेंट्स को लॉस कर देते हैं, कहीं हम कर ना दें ऐसा, जो हर ह्यूमन करता है, हर ह्यूमन के दिल में ये डर हमेशा होता है। एजिंग एक ऐसा इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, मतलब हम उससे छुटकारा कभी नहीं पा सकते, ह्यूमन लाइफ का वो ऐसा पार्ट है जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, भले ही हमें कितना सुनना दर्द हो हमारे दिल में। द पोएट स्पीक्स अबाउट हर मदर हु इज ग्रोइंग ओल्ड एंड हैज अ पेल एंड वीक लुक ऑन हर फेस। हर मदर स्लीप्स व्हाइल ट्रैवलिंग एज शी रियलाइज्ड दैट शी रिक्वायर्स दैट रेस्ट। तो उनकी मॉम सो रही होती हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, मतलब हमें यहाँ से रियलाइज हो ही गया होगा कि उनको रेस्ट की ज़रूरत है, उनको कोई चाहिए उनकी लाइफ में, है ना, जो उनकी देखभाल कर सके। द पोएट रिकॉल्स हाउ इवन एज अ चाइल्ड शी हैज एक्सपीरियंस द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। भाई हर बच्चा करता है, वही यहाँ पे बताया गया। नाउ हर फियर हैज चेंज इनटू द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर टू डेथ। अब उनकी मॉम की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ये थॉट उनको परेशान करता है, डराता है। दैट इज़ वाई she diverts her attention by looking outside the window at the trees passing by and the children coming out of their homes to play. Later at the airport, she smiles at the mother only with the hope of meeting her soon. Okay, clear hai na? Pura answer clear ho kya? To iske ke saath mein sare important questions and study solutions humne discuss kar liye hain. ये चैप्टर भी एकदम कंप्लीट हो गया है, तीनों चीज़ें हम डिस्कस कर ली, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन समरी एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।